Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक हो ना। तो आज हम इस स्टीयरिंग व्हील का को चेक करेंगे कि ये गेमों पे कैसे चलता है। मैं कुछ गेमें खेलूंगा तो हम ये देखेंगे इसका फोर्स फीडबैक कैसा है, इनपुट लैग है या नहीं, इस टाइप की चीज़ें चेक करेंगे। तो स्टे ट्यून और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस देखें आप, वो मैंने पेडल्स उधर पड़े हैं, गेयर यहाँ मेरा सेट हुआ है, ये स्टीयरिंग सेट हुआ है, सही है। ये देखें ये माउंट होते हैं जिस टेबल पे, ये जो है इधर माउंट हुआ है, और ये देखें ये USB वायर है, एंड ये जाके हमारे PC में माउंट हो जाएगी। दैट्स इट। ये देखें ये लाइट जल गई है, ये वर्क करना शुरू हो गया है। जो फर्स्ट गेम हम लोग आज रिव्यू करेंगे वो है मड रनर। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंट्रोल्स देखते हैं कि कंट्रोल्स कैसे होते हैं। तो आप जब आएंगे इसके कंट्रोल्स में तो सबसे पहला कीबोर्ड होएगा, कंट्रोलर एंड व्हील। जो व्हील है ना, ये देखें ये प्रॉपर ये शो रही है डिवाइस VX and V9, और आपने यूज़ एज प्राइमरी इनपुट कर देना है। इसमें ये देखें एक्सेलरेशन, मैं रेस दबाता हूँ तो प्रॉपर ये होता है, ब्रेक दबाऊँगा सही है, एंड व्हील लेफ्ट राइट, ये क्लच है। और अभी फर्स्ट गियर में तो मैं निकाल देता हूँ, गियर से ये निकल गया है। ये देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड रिवर्स, ये रिवर्स है ठीक है। चलें अभी आके अब गेम ज़रा खेल कर चेक करते हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जी ये देखें गाड़ी अभी न्यूट्रल गियर में है बिल्कुल। तो ये हम रेस जब देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी ठीक है। ये यहाँ हैंड ब्रेक ये मैंने ऑफ की, क्लच पकड़ा, ये फर्स्ट गियर आप देख सकते हैं, ये गियर भी डल गया, और ये हमने चलाई। अच्छा इसके हम ऑल व्हील ऑन कर देते हैं, एंड डिफ लॉक जो है इस गाड़ी में नहीं है। चलें फर्स्ट गियर में, ये फर्स्ट गियर में जा रही है, ये अब हम क्लच पकड़ेंगे, ये सेकंड में डाल देते हैं। ये देखें आप देख सकते हैं सेकंड में आ गई है और गाड़ी बंद हो रही है। चलें फर्स्ट में ही निकालते हैं क्योंकि यहाँ बड़ा कीचड़ है। ये जा रही है हमारी गाड़ी उड़ते उड़ते, फंस नहीं जाना। इसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा फंस जाती है क्योंकि डिफ लॉक नहीं है। तो अच्छा सेकंड गियर अब थर्ड में डालते हैं। ओए होए 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 कीचड़ आ गया। थोड़े साइड साइड से करके निकालते हैं ज़रा। अच्छा तो अब स्टीयरिंग में ना सही फोर्स फीडबैक आ रही है, प्रॉपर स्टीयरिंग हिल रहा है। वीडियो में आप लोगों को फील नहीं होएगा, पता नहीं लगेगा, लेकिन मुझे सही पता लग रहा है। ओए ये थर्ड डाल दिए एंड हमारी गाड़ी फंस गई है। ये फर्स्ट में वापस करके हम निकालते हैं। अच्छा आप हर बटन को ना अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गियर ये पीछे वाले पैडल्स पे हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो मुझे मज़ा आता है कि प्रॉपर शिफ्टर से होए, तो मैं जो शिफ्टर से ही गियर चेंज करता हूँ हर दफ़ा। अच्छा अभी हम सेकंड में ही, अब लगता है फर्स्ट लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट लगाया एंड हमारी गाड़ी जा रही है स्लो स्लो। तो होप सो ये आपको बड़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, इससे आपको इसके स्टीयरिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता लग गई होगी, क्योंकि इसमें देखें फोर्स फीडबैक और इनपुट लैग कोई भी नहीं है बिल्कुल।
नेक्स्ट चेक करते हैं वो है क्रू टू, ये आप देख सकते हैं प्यारी सी ओडी। तो ये देखें अब ये न्यूट्रल है, तो हम पकड़ते हैं फर्स्ट गियर डाला एंड स्लोली गाड़ी उठाई। इसकी थोड़ी सी हैंडलिंग ये है कि वहां से मैंने फुल की हुई है, गियर चेंज करते हैं तो स्टेयरिंग फुल रियलिस्टिक जैसे होता है उसी तरह ही है। चेंज कर देते हैं गियर, वो लग गई गाड़ी। अच्छा आप लोग इसको 270 डिग्रीज पे भी कर सकते हैं जो यहाँ नीचे है, ये देखें। अब ये ज़रा ज़्यादा आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा लेकिन उस तरह भी मज़ा आता है। मैं ये गेम इतनी ज़्यादा खेलता नहीं हूँ इसलिए मेरे पास टोटल इसमें 3 गाड़ियाँ हैं और मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है। इसमें गाड़ियां चेंज करके देखते हैं। व्हीकल मेरे पास 3 ही है, तो ये ऑस्टिन मार्टिन चेक करते हैं। इसकी इनसाइड लुक जरा करते हैं, बड़ी प्यारी है गाड़ी। ओए लग गई। असल में बर्फ भी आई हुई है रोड पे एंड बड़ी स्लिपरी हुई भी है, तो बिल्कुल भी इनपुट लैग नहीं है। मैं जैसे ही दबाता हूँ स्टेयरिंग उसी टाइम मुड़ता है स्टेयरिंग। तो चलें नेक्स्ट गेम जो चेक करते हैं वो है हमारी अपनी मशहूर गेम GTA 5। तो ये देखें ये स्टेयरिंग प्रॉपर इस पे वर्क करता है और इसमें प्रॉपर जो एक्सबॉक्स के और प्लेस्टेशन के कंट्रोलर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी है। अब देखें ये फ़ोन और इससे ओ से वापस हो जाता है, ये हेडलाइट्स हैं एंड इसी तरह और भी सारी चीज़ें जो हैं वर्क करती हैं। अच्छा इसके अंदर फिर आप लोगों को अगर मैनुअल ये गियर यूज़ करना है तो इसका एक मॉड आता है जो कि इस गेम में मैनुअल मतलब गाड़ियाँ मैनुअल चलेंगी, तो आप वो मॉड डाल के फिर ये स्टेयरिंग वर्क करेगा। मुझे इस तरह पसंद है जो जैसे ओरिजिनल होती है गेम। तो ये देखें आप, ना कोई इनपुट लैग है, कोई मसला नहीं है, गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल मतलब गेम बिल्कुल स्मूथ चलती है इस पर। तो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं GTA इतनी खेलता नहीं हूँ। ये देखें ब्रेक, हर चीज़ सही प्रॉपर वर्क करती है। तो बाकी का आप ये देख सकते हैं। देखें बिल्कुल सही जा रही है। कहाँ से निकल आया? अच्छा मैं रेड लाइट को जा तोड़ा था। ये आप देख सकते हैं तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूरो ट्रक
स्नो रनर, कुछ और जो है गेमें जो कि रेसिंग या सिमुलेटर गेम्स हैं वो लेके आऊँगा, उसकी वीडियो तो बनाऊँगा। जैसा कि आप लोगों ने चेक किया इस स्टीयरिंग व्हील पे बड़ा मजा आया गेम खेल के, प्रॉपर गियर, क्लच, ब्रेक, ईच एंड एवरीथिंग, फोर्स फीडबैक, ना कोई इनपुट लैग था, कुछ भी नहीं था, और बिल्कुल सारी गेम्स बड़ी स्मूथ चली हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग, इसकी हर बटन वर्क किया है क्योंकि मैंने सारा कुछ कॉन्फिगर किया हुआ था। एंड तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला स्टेयरिंग जो है बाय करें और आप लोग अपना आराम से इस स्टेयरिंग पे शौक पूरा कर सकते हैं, रेसिंग गेम्स खेल सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर। ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स।